नमस्कार आदाब दोस्तों ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आ रहा है जहां पर बीजेपी के नेता के कार्यक्रम में जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला है और भगदड़ मची है जिसके चलते कई लोगों को यहां पर चोटें भी आई हैं आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि दरअसल ये भगदड़ क्यों मची है साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है जिस तरीके से आप जानते होंगे एक मुस्लिम छात्र को जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे जो है समुदाय के बच्चों से एक टीचर ने पिटवाया था उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जो फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए जो बातें कही हैं वो अपने आप में काफी अहम है और आपको सुननी भी चाहिए आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे तीसरी बड़ी खबर यूपी से ही सामने आ रही है जहां पर एक गिरोह को पकड़ा गया है जो गांव गांव में जाकर के जानवरों को पहले जहर देता था उनको खत्म कर देता था उसके बाद मैंने वे जानवरों का जो मीट था वो दुकानों पर जाकर सप्लाई करता था इन इस गिरोह में जो लोग शामिल हैं उनके जब आप नाम सुनेंगे ना तो चौक जाएंगे आगे हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और हां बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए बात करेंगे पहली खबर की सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं यह वीडियो आप देखिए बीजेपी नेता के कार्यक्रम का वीडियो है जहां पर भगदड़ मची है किस तरीके से पहले वीडियो देखिए उसके बाद इसकी पूरी कहानी बताते हैं आपको देखिए वीडियो तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया है यह वीडियो मुरादाबाद यूपी का बताया जा रहा है जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में यह भगदड़ मची है दरअसल बीजेपी नेता की मंच पर बैठने को लेकर के ग्राम प्रधान के पिता से कहासुनी हो गई और उसके बाद का जो नजारा था वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है यह तमाम चीजें बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही हैं और खबर यह है कि इस बवाल के बीच कई कुर्सियों को नष्ट कर दिया गया जिसके चलते कई लोगों को यहां पर नुकसान भी पहुंचा है कई लोगों को यहां पर चोटें भी लगी है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला जो कि उत्तर प्रदेश यूपी से सामने आया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है और अगर बीजेपी के नेता में नेता के कार्यक्रम में ये तमाम चीजें हुई हैं तो यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है एक और खबर मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आपको यह बता दें कि बीजेपी नेता ने मंच से यहां पर फायरिंग भी की है यानी बीजेपी के नेताओं की जो गुंडागर्दी है वो खुलेआम देखने को मिल रही है वहीं से मंच से इस तरीके से बीजेपी नेता ने मतलब जो है चलाई है अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई गई है किस मामले में खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी सरकार अपनी भूमिका में विफल रही है आप जानते हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बिल्डोजर चलाने के लिए माहिर मानी जाती है लेकिन बिल्डोजर भी सिचुएशन और लोगों के धर्म को देखकर चलाया जाता है ऐसा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगता है और इसको लेकर के अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को फटकार लगा डाली है आप जानते होंगे कुछ महीनों पहले एक मुस्लिम छात्र को एक स्कूल की टीचर ने दूसरे समुदाय के बच्चे से थप्पड़ मरवाए थे उसको पिटवाया था वो मामला काफी तूल पकड़ा, लेकिन योगी सरकार को जिस तरीके से इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और जिस तरह के तरीके से योगी सरकार कार्यवाही करने के लिए माहिर मानी जाती है उस तरीके से यहां पर कार्रवाई नहीं की गई अफसोस की बात तो यह रही कि काफी दिनों तक उस टीचर को सस्पेंड तक नहीं किया गया उस स्कूल के ऊपर बिल्डोजर तक नहीं चलाया गया वैसे अगर जो टीचर है वो अगर किसी विशेष समुदाय की होती तो आप समझ सकते हैं कि उसके उसके ऊपर किस तरीके की कार्यवाही होती लेकिन मामला आप जानते होंगे मतलब जो है दूसरे पार्टी से जुड़ा हुआ था इसलिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार को खुलेआम फटकार लगाई है और यह साफ कहा है कि यूपी सरकार अपनी भूमिका में विफल रही है यह अपने आप में यो, योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जिसके बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है अगली खबर यूपी से ही सामने आ रही है यूपी के अंदर एक गिरोह को पकड़ा गया है उनका वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं यह वीडियो आप लोग देखिए दरअसल यह जो गिरोह वीडियो में आपको नजर आ रहा है जो पुलिस के अब गिरफ्त में है इसमें पहले शख्स का नाम सुमित पुत्र श्यामलाल निवासी मेरठ दूसरे का नाम साकि पुत्र राशिद निवासी अमरोहा उसके बाद विनय कुमार निवासी हापुड़ सौरभ जाटव निवासी मेरठ भूषण ठेकेदार निवासी मेरठ और शेखर ठेकेदार निवासी हापुड़ चांद पहलवान निवासी हापुड़ ये एक गिरोह पकड़ा गया है जिनका काम क्या था स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं खबर देखिए पहले पशुओं को ये लोग क्या करते थे कुछ ऐसी खाने की चीज दे देते थे जिससे वो पशु खत्म हो जाता था फिर उस खत्म किए गए पशुओं का मीट ये लोग होटल ढाबो रेस्टोरेंट पर सप्लाई करते थे हापुड़ मेरठ मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में कम दामों में ये लोग उस मीट को को बेचते थे। हापुड़ पुलिस ने इस गिरोह पकड़ा है जो गांव में घूम घूम कर पशुओं को मतलब जो है उनको खत्म कर देता था फिर मुर्दा मवेशी ठेकेदारों की सेटिंग से इन मरे हुए पशुओं का मीट रेस्टोरेंट और ढाबों पर कम दाम से सप्लाई कर देता था हापुड़ पुलिस ने इस में जो है दो आरोपी अरेस्ट किए हैं दो गाड़ियां और आठ कुंटल मांस भी पकड़ा है जांच में यह मांस बताया जा रहा है कि पशुओं के का है और जहर देकर उनको खत्म किया गया उसके कुछ लक्षण भी मांस के अंदर मिले हैं अफसोस इस बात का होता है कि यूपी के अंदर यह तमाम चीजें चल रही थी और इसमें मैक्सिमम जो आरोपी हैं वो आप जानते होंगे किस पार्टी से जुड़े हुए हैं और किस दल के हैं किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं इसलिए इस खबर को उस तरीके से तवज्जो नहीं मिल रही है वरना यही मामला जो आरोपी है ना इसमें दो शायद विशेष समुदाय के लोग जरूर है लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं छह सात लोग वो दूसरे समुदाय से हैं। अगर यही मामला इसमें आरोपी या मुख्य आरोपी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला होता तो आप कल्पना करिए क्या कार्रवाई हो गई होती इस तरीके की तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है आपको पता होगा यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर भी एक कांड देखने को मिला है जहां पर एक मुस्लिम लड़के को खत्म कर दिया गया है एक लड़की के अपहरण करने के मामले में बताया जा रहा है कि उसके ऊपर आरोप लगा हालांकि उस मामले में वो बच्चा मतलब तो जो एक तरीके से आरोपी नहीं निकला है लेकिन अब उस बच्चे की उसके जो है खत्म होने की खबर सामने आ रही है तो इस तरीके से यूपी के अंदर तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं दोस्तों वैसे योगी जी की सरकार है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई होती है यह खबर से आप समझ सकते हैं टीवी में बैठकर भाषणबाजी करना और जमीन पर उस उसी तरीके से काम करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि यूपी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है वैसे मीडिया की तो बात ही मत करिए मीडिया यूपी के अंदर जो मुद्दे होते हैं वह उठाने में नाकाम साबित हो रहा है क्योंकि जानते हैं ना आका नाराज हो जाएंगे अगर वो मुद्दे उठाएंगे इस तरीके के तो इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेशन में बताइए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें